तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल ड्रीम टीम्स में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन का पहला लंका प्रीमियर लीग का जो मैच होने वाला है, जैसे गैलेक्सी ग्लैडिएटर्स वर्सेस जफना किंग्स के बीच में। अब देखो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये मैच होने वाला है, बिकॉज अब जो है फाइनल आने वाला है। तो उससे पहले टीम जो है बिल्कुल बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर को फॉलो करती है। जो जो मेन मेन बैट्समैन होते हैं, जो जो मेन मेन प्लेयर्स हो रहे हैं, उनको वो लोग खिलवाते हैं। तो देखो काफ़ी सारे आपको ट्रंप बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिनका सिलेक्शन बहुत कम है और शायद ही कोई अपनी टीम में लिखा है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आप लोग सिंगल रुपीस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इस मैच में, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो मेरे भाई किस बात का आप लोग वेट कर रहे हो? फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आके ज्वाइन कर लेना। ऑलरेडी जो है 19,500 से भी ज़्यादा लोग ज्वाइन कर रखे हैं। बैक टू बैक सारे मैचेस हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं। और कल जो है हमने मिनी ग्रैंड लीग भी विन की थी अगेन बिग बैश लीग में। कल क्या भाई, सारे ही मैचेस में लगभग हम लोग जो है मिनी ग्रैंड लीग विन कर रहे हैं। यहाँ से आपको सारे प्रूफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक ना? तो आके ज्वाइन कर लेना, दिख रहा होगा आपको ये रहा। तो ऐसे ही आपको रिजल्ट देखने मिलेंगे बिल्कुल फ्री टीम से, कोई भी आपसे पैसा लिया नहीं जाता। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो भाई लोग, मैं आ चुका हूँ ड्रीम इलेवन पर। टीम की बात कर लेते हैं आज के मैच की। पहले मैं बात करूँगा विकेट कीपर, देन बैट्समैन, देन ऑलराउंडर, फिर यहाँ से बॉलर की। अब देखो विकेट कीपर सेक्शन में यहाँ पे आपको जो है तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, कुशल मंडी, सदीरा समयविक्रमा और यहाँ से रहमानुल्ला गुरबाज। कुशल मंडी सबसे अच्छी पिक होनी चाहिए आपके, बिकॉज श्रीलंका की कंडीशन में हमेशा ही एक अच्छी पिक रहता है। प्लस सीवीसी के लिए भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा प्लेयर है। बाकी देखो सदीरा समयविक्रमा सेकंड या थर्ड डाउन आपको बैटिंग करके देगा, बाकी टेक्निकल बैट्समैन ज़्यादा हार्डिंग पर भरोसा नहीं करता। तो अगर यहाँ से जफना किंग की टीम पहले बैटिंग करे तो आप लोग ट्राई कर सकते हो इस मॉलिक्स में। और देखो रहमानुल्लाह गुरबाज को अभी के लिए मैं नहीं ले रहा, आगे बताऊंगा आपको क्यों इस मैच में गुरबाज के हाई चांसेस हैं फ्लॉप के, ठीक ना? तो अभी मैं बात करता हूँ यहाँ से बैटिंग सेक्शन की। तो बैट्समैन में सबसे पहले पिक अब इसका फर्नांडो, सोएब मलिक और यहाँ से थनुका दबा रहे हैं। तीनों ही बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, तीनों ही हर मैच में स्कोरिंग करते हुए आ रहे हैं, तीनों आपकी टीम में होने चाहिए। अब देखो नीचे वाले बैट्समैन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने चाहिए, जैसे एन फर्नांडो पाँचवें नंबर पे आ रहा है। अगर यहाँ से गैलेक्सी ग्लैडिएटर्स की टीम पहले बैटिंग करे तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्की हो सकता है। तीसरा प्लेयर भी बहुत नीचे आ रहा है, ज़्यादा ट्राई मत करना, ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना। बाकी देखो एक प्लेयर यहाँ से है लहिर उडारा, ये एक अच्छा प्लेयर है। आप एक मैं बता रहा हूँ कंडीशन, अगर यहाँ से गैलेक्सी ग्लैडिएटर्स टीम पहले बैटिंग कर जाए तो आप लोग एक काम करना, सोएब मलिक को ड्रॉप करके यहाँ से आप लोग सीधा जो है लहिर उडारा को पिक करना, बिकॉज सोएब मलिक लगभग चौथे पाँचवें नंबर पर आएगा और ये जो है आपको थर्ड नंबर पर आता हुआ दिख जाएगा। तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, लहिर उडारा को ही अपनी टीम में पिक कर लेता हूँ। बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। इमाद वसीम सबसे पहले पिक होनी चाहिए, बिकॉज जफना किंग की टीम में काफ़ी सारे लेफ्ट हैंड बैट्समैन और सॉरी राइट हैंड बैट्समैन है। तो मतलब मिनिमम आपको दो विकेट इस मैच में लिख देने वाला है इमाद वसीम। जेम्स फुलर अगर यहाँ से जफना किंग की टीम पहले बॉलिंग करे तब ट्राई करना है, बिकॉज आपको डेथ में डल के देगा, अदरवाइज आप लोग ड्रॉप करके रिस्क ले सकते हो, अभी के लिए मैं नहीं ले रहा। धनंजय डी सिल्वा बॉलिंग नहीं करता, बैटिंग से फॉर्म में नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, जीएल में ट्राई करना, स्मॉल लीग में हाई रिस्क लेना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अब देखो इफ्तिकार अहमद एक बहुत अच्छे फॉर्म में है बैट्समैन, मतलब बैटिंग बहुत अच्छी करता है, लेकिन बैटिंग से जो है फॉर्म में थोड़ा ख़राब चल रहा है इसका, लेकिन भाई बॉलिंग से हर मैच में आपको विकेट लेके दे रहा है। लास्ट मैच में भी दो ओवर की इसने बॉलिंग डाली थी, आई थिंक इंपॉर्टेंट आपके लिए रहना चाहिए। सीबीसी के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हो अगर यहाँ से गैलेक्सी लीडर टीम पहले बैटिंग कर गई तो। बात करते हैं बॉलर्स की। अब देखो यहाँ पे आपको क्लियर दिखा हुआ है गुड फॉर पेस, पिच रिपोर्ट आपको यही है कि ये जो पिच है ना पेसर्स को सूट करता है, स्टार्टिंग ओवर में स्विंग बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पर, और इसीलिए हाई चांसेस है यहाँ से गुरबाज फ्लॉप हो जाएगा, बिकॉज गुरबाज आता है ओपनिंग। तो गुरबाज के सामने बॉलिंग डालने आएंगे इमाद वसीम और यहाँ से नुवान थुसारा और नुवान प्रदीप। अब देखो भाई तीनों ही ऐसे हैं जो आराम से इसका विकेट ले सकते हैं, तीनों को स्टार्टिंग के ओवर में स्विंग मिलती है और तीनों ही बहुत अच्छे बॉलर हैं, तो हाई चांसेस हैं गुरबाज इस मैच में फ्लॉप हो जाए, ठीक ना? तो इसलिए मैं पहले तो यहाँ से नुवान प्रदीप और नुवान थुसारा को सबसे पहले पिक करूँगा, और अगर गैलेक्सी ग्लैडिएटर्स टीम पहले बॉलिंग कर गई तो इन दोनों में से किसी एक को मैं सीबीसी भी ट्राई करूँगा अपनी स्मॉल लीग टीम का, ठीक? देखो नेक्स्ट मैं यहाँ से लेने वाला हूँ दुनित वेलालेग, बहुत अच्छा बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, विकेट टेकिंग बॉलर है, हर मैच में आपको लगभग ये एक दो विकेट आराम से लेके देगा, ठीक? अब देखो दो प्लेयर यहाँ से बचे, और अगर यहाँ से जफना किंग की टीम पहले बॉलिंग कर गई तो सीधा मैं अपनी टीम में दिलशान मधुसंघा को पिक कर लूँगा, बिकॉज इसका सिलेक्शन आप लोग देखो सिर्फ 9% है, लेकिन मेरे भाई ये आपको 19वां या फिर 20वां ओवर डाल के देता है, डेथ में बॉलिंग करने आता है और डेथ में भले कितना भी खराब बॉलर आपको पता होगा विकेट मेरे भाई मिल जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ से अपनी टीम में अभी के लिए लेने वाला हूँ। अब देखो लास्ट प्लेयर आपसे ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर यहाँ से जफना किंग की टीम पहले बैटिंग करेगी तो यहाँ से मैं जेम्स फुलर को अपनी टीम में पिक कर लूँगा, बिकॉज यहाँ से जेम्स फुलर आपको जो है उस केस में बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों तरफ से पॉइंट दे सकता है, और यहाँ से
वकर सलाम खेल, इन दोनों में से किसी एक को लेके चलूंगा। अभी के लिए मैं ऐसे वकर सलाम खेल को के साथ ही आ रहा हूँ, बिकॉज लास्ट मैच में भी मैंने इसको पिक किया था। ओनली 11% सिलेक्शन था, 95 पॉइंट इसने दिया भाई। विकेट टेकिंग बॉलर है, लेफ्ट आर्म चाइना मेन बॉलर है, स्पिन बॉलर, और हर मैच में आपको लगभग जो है ये विकेट लेके देता है। बात करते हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। अब देखो यहाँ से अगर गैले ग्लेडर की टीम पहले बॉलिंग कर गई तो मैं ऐसे अपनी कैप्टनसी दूंगा नुवान सुसारा को या फिर नुवान प्रदीप को। अगर जफना किंग की टीम पहले बॉलिंग कर गई तो मैं यहाँ से अपनी कैप्टनसी जेम्स फ्लोर को ले लूँगा और इसको अपनी सीवीसी दे दूंगा। अभी के लिए मैं ऐसे कैप्टनसी के साथ जा रहा हूँ नुवान थोसारा को। एक विकेट टेकिंग बॉलर है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी स्विंग मिलती है, इसको आराम से एक दो विकेट आपको लेके दे सकते हैं। वाइस कैप्टनसी मैं यहाँ से देने वाला हूँ इस मैच में इफ्तिकार अहमद को। आपको सेकंड डाउन बैटिंग देगा, प्लस आपको दो तीन ओवर की बॉलिंग डाल के दे सकता है, विकेट टेकिंग एबिलिटी है इसके पास। इसी के साथ भाई वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो पहली बार हमारी वीडियोस को वॉच कर लो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, टेलीग्राम से जो होना बिल्कुल मिलना, बिकॉज फाइनल टीम और अपडेट्स आपको वहीं पर मिलेगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स।